हेलो एवरी वन माई ने इस त्रिवेश वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा इंसीडेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है और ये अभी हुआ है मेरे साथ आज आते हुए जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ पर ना भुट्टे वाले बैठे हुए होते हैं ठीक है तो मैंने एक भुट्टा लिया और मैंने वो भुट्टा ले के और मैं ई रिक्शा जो होती हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होती हैं मैं उसमें बैठ गया अपने आ, फ्लैट के रास्ते के लिए तो मेरे बराबर में ही एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड से मतलब वो अपनी अर्ली फिफ्टीज़ में होंगे शायद आ, एक अंकल बैठे मेरे बराबर में बहुत ही सोफेस्टिकेटेड से देखने में ही लग रहा था कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं अच्छे हैं तो वो मेरे बराबर में आकर बैठे तो जैसे ही रिक्शा चला रिक्शा वाला थोड़ा तेज़ चल रहा था तो आ, उन्होंने उसको हिंदी में ही बोला था कि रिक्शा धीरे चलाने के लिए लेकिन वो फिर भी अपने स्पीड में ही रहा और आगे जाके एक ब्रेकर पर उसका रिक्शा बंद पड़ गया सो वो अंकल सीधा मतलब मुझसे ही बोलने लगे इंग्लिश में ही कि आई टोल्ड हिम नॉट टू ड्राइव फास्ट बट ही इज नॉट लिसनिंग टू मीज ड्राइव फास्ट ये वो सो so, उसके बाद काफ़ी देर हो गई हम चलते गए और वह हम इंग्लिश में ही काफ़ी देर तक बात करते रहे मौसम के बारे में ठंड के बारे में कहाँ कहाँ बर्फ पड़ रही है उन सब चीज़ों के ऊपर हम इंग्लिश में ही बात करते रहे फिर जब मेरा फ्लैट आने वाला था तो मतलब एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे एक चीज़ पूछी कि मतलब आ, आपने मुझसे बात करनी स्टार्ट करी रैंडमली लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे इंग्लिश आती होगी हो सकता है कि आप किसी से रैंडम बात करें इंग्लिश में और उस इंसान को ना आती हो इंग्लिश सो so, आपको कैसे आपने इस चीज़ को जज कैसे किया कि हाउ डिड यू कम टू नो दैट दिस गाय मस्ट बी कम्फर्टेबल इन इंग्लिश और ही कैन स्पीक इंग्लिश ठीक है तो उसने बोला जो उन्होंने वो चीज़ बोली वहाँ पर वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वो एक्चुअल मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे भी पहचान हो जाती है तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका जो ये भुट्टा था ये रिक्शा चलने के एक मिनट बाद ही ख़त्म हो गया था और आपने इस भुट्टे को खाली इस भुट्टे को ही हाथ में ऐसे ही पकड़ा हुआ है और वो मुझे पता है कि क्यों पकड़ा हुआ है ताकि जब ऑटो रुकेगा आप इसको डस्टबिन वस्टबिन में कहीं डाल लोगे और तब उस मतलब आप इसको रास्ते में ऐसे नहीं फेंकोगे कि अगर कोई और होता तो सड़क पर फेंक सकते हैं आसपास कई सारे मैदान पड़ते हैं आते हुए रास्ते में कई सारे पार्क टाइप पड़ते हैं जहाँ पर कूड़ा वूड़ा पड़ा भी रहता है तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि मैंने इस चीज़ को जब ऑब्ज़र्व किया आधे रास्ते तक तो मुझे समझ में आ गया है कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं और एक जॉब से आ रहे हैं और आज के टाइम में अगर कोई इतना समझदार है और वो कोई जॉब कर रहा है तो इंग्लिश तो उसको आनी बनती ही है तो आती ही है उनको इंग्लिश तो इसीलिए उन्होंने इस बेसिस पर मुझे जज किया मतलब आपके जो मैनर्स होते हैं हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसमें मैनर्स नहीं होते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन एक बहुत ही एक आपका नेचर ही आपका जो तरीका है उठना बैठना आपकी सोच ही डिफ़ाइन करती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं अब यहाँ पे यह भी हो सकता है कि कोई इंसान है जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें भी तमीज़ होगी बिल्कुल होगी और ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनमें तमीज़ नहीं होती है ठीक है सो तमीज़ के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है लेकिन आपकी तमीज़ से लोग आपको पहचान लेते हैं कि ये एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान है ठीक है तो आज हम चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो मिस्टर अक्षत जैन है ठीक है जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और इनका ही आज एक स्पीच के ऊपर मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है इनके जो सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस से है वो भी बहुत अच्छी हैं और साथ ही साथ जो इन्होंने स्पीच दी है वो भी बहुत अच्छी है तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को तो देखिए पहला हमारे पास सेंटेंस है यहाँ आमंत्रित होना मेरे लिए खुशी की बात है ठीक है अब बेसिकली यहां आमंत्रित होना हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं लेकिन अगर जैसे मैं इसको ही ट्रांसलेट करूँ यहां आमंत्रित होना तो बेसिकली ये सेंटेंस बनेगा एक पैसिव वॉइस में कि यहां आमंत्रित किया जाना ठीक है कि मुझे यहां आमंत्रित किया गया मुझे आमंत्रित यहां किया जाना मेरे लिए खुशी की बात है ठीक है इस तरीके से अब ये जो मुझे आमंत्रित किया जाना ये दो तरीके से बन सकता है एक तो नानी ने वाला सेंस आ रहा है सो यहां पे बींग का यूज कर सकते हैं बींग इनवाइटेड हेयर थर्ड फॉर्म तो देखो लगेगी पैसिव वॉइस आता है थर्ड फॉर्म तो लगेगी सो एक तो तरीका हो गया बींग इन्वाइटेड हेयर ठीक है इज माई प्लेजर ठीक है दूसरा होता है अगर मैं टू का यूज करूं तो अगर मैं टू का यूज करूंगा सो बींग में से आई हट जाएगा सो टू बी इन्वाइटेड हेयर इस तरह से बनेगा कि यहां आमंत्रित मुझे किया जाना यह इस तरीके से बनेगा ठीक है कैसे बनाया टू बी इनवाइटेड हेयर इज माई प्लेजर तो यहां पे इट नहीं लगेगा इज माई प्लेजर अगर एक और फॉर्मेशन में बताता हूं मेरा मतलब कि मेरे लिए खुशी की बात है यह मेरे लिए खुशी की बात है यहां मुझे आमंत्रित किया जाना एक ये हो गया सो जब मैंने बोला ये मेरे लिए खुशी की बात है तो यह सेंटेंस है यह मेरे लिए खुशी की बात है इतना सा सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट ठीक है सो so, किस की बात कर रहे हैं मेन वर्ड और वो क्या है सो so, ये मेरे लिए खुशी की बात है ये की बात कर रहे हैं सो so, इट फिर मेन वर्ड इज अब वो क्या है मेरे लिए खुशी की बात मतलब इट्स माई प्लेजर ठीक है इट्स माई प्लेजोर जैसे कोई आपको आपकी आपने किसी की हेल्प की उसने बोला थैंक्स तो हम बोलते हैं ना नो प्रॉब्लम इट्स माई प्लेजर तो मतलब ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपकी मदद कर पाया उस तरीके से सो इट इज़ माई प्लेजर ये मेरे लिए खुशी की बात है टू बी इन्वाइटेड हेयर यहां मुझे आमंत्रित किया जाना ठीक तो so, यहां आमंत्रित होना तो इस होना के पीछे मत भागना आप ऐसे सेंटेंसेस को पहले एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज में तोड़ा करो और मेरे पास एक कमेंट आया था कि कन्वर्ट कन्वर्टेबल लैंग्वेज में तोड़ने के लिए एक सर कोई वीडियो बनाई है शायद मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ अगर नहीं बनाया है सो मैं बिल्कुल बनाऊँगा अभी मैं सीरियसली बता रहा हूँ टाइम की बहुत प्रॉब्लम चल रही है आपको तो ये वीडियो सुबह मिल रही है लेकिन मैं इस वीडियो को रात को साढ़े नौ बजे शूट कर रहा होता हूँ वो भी अपने ऑफिस से आने के बाद और वो भी ऑफिस के मैसेजेस भी आते रहते हैं कॉल्स भी आती रहती है उन सब के बाद मैं इस आधे घंटे के टाइम फ्रेम में अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पे लगाता हूँ और तब मैं वीडियो को शूट करता हूँ मतलब वॉइस ऑफ करता हूं बीच में कॉल्स मैसेजेस भी आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं भूल जाता हूं कि किसी की कॉल आ जाती है तो मैं उसको नहीं डाल सकता क्योंकि मुझे दोबारा से बनानी पड़ती है अगर कभी कभी मैं भूल जाता हूं तो ठीक है तो ये पूरा सेंटेंस हुआ खुशी की बात है इट इज माई प्लेजर टू भी इनवाइटेड और आपसे मिलने और आप सभी से बातचीत करने के लिए ठीक है कि मतलब मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आप सभी से बात आप सभी से मिलने और आप सभी से बातचीत करने के लिए ठीक है अब यहाँ पे ना ने वाला फिर सेंस आ रहा है अगर टू लगाओगे तो आईएनजी नहीं लगेगा टू हटाओगे तो आईएनजी लगेगा जैसे यहाँ पे एंड गेटिंग टू मीट यू ठीक है अब गेट टू मीट मतलब मिलना किसी से मीटिंग यू भी आ सकता है यहाँ पे ठीक है लेकिन मिलने को मिला ठीक है आई गॉट टू सी हिम मुझे वो देखने को मुझे उसे देखने को मिला जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि किसी मॉल में ऋतिक रोशन आया था और आई गॉट अ चांस टू सी हिम मुझे उसको देखने का एक मौका मिला और अगर मैं यहां पे सिंपल से ये बोल दू आई गेट टू सी हिम मुझे मुझे उसको देखने को मिला तो हिंदी में भी मैं ऐसे बोलते ना उसको देखने को मिला एक तो हो गया मैंने उसे देखा आई सॉ हिम दूसरा हो गया आई गॉट टू सी हिम ठीक है तो जब मैंने बोला ना आई गोट टू सी हिम तो मतलब मुझे उसको देखने को मिला वो वाला सेंस आता है सेम यहां पे एंड गेट टू मीट यू और आप सबसे मिलने को मिला ठीक है वो वाला सेंस आता है यहां पे टू टू अगर नहीं लगाओगे तो आई एन लग जाएगा एंड गेटिंग टू मीट यू लेकिन ऐसे सेंटेंसेज में कोशिश करो जो बड़े हो वहां टू लगा के यूज करो आई एन जी के भसड़ो पड़ो हिमत एंड टू गेट टू मीट यू अब गेट टू का यूज मैंने बता दिया ठीक है Uh, uh, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वेन आई वेन पैरिस वेन आई वॉज इन पैरिस सो आई गॉट टू ईट सम डिश कि मतलब वहां की जो लोकल डिश थी वो मुझे खाने को मिली इस तरीके से एंड गेट टू मीच यू और आप लोगों से मिलने को मिला एंड इंटरैक्ट विथ यू ऑल और आप सबसे बात करने को मिला सो गेट टू के आगे ही दोनों लगे हुए हैं गेट टू मीच यू एंड इंटरेक्ट विध यू ऑल अब इंटरेक्ट करने का मतलब क्या होता है बातचीत करना ठीक है सो so, यहाँ पे गेट टू इन दोनों को ही लेकर चल रहा है कि आपसे मिलने को और बातचीत करने को मिला आप सब से, ठीक है सो so, पूरा सेंटेंस बना और आपसे मिलने और आप सभी से बातचीत करने के लिए मतलब वो चीज मिली ठीक है सो एंड टू गेट टू मीट यू एंड इंटरेक्ट विद यू ऑल कल से मैं छात्र समुदाय के साथ बातचीत कर रहा हूं अब ये कल से का मतलब है येस्टरडे वाला ठीक है कल से कि भाई कल से कोई चीज चलती हुई आ रही है तो सेंटेंस कौन सा हुआ सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है सो so यहाँ पे देखो हमने क्या टर्म सीखी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कि आई हैव बीन सिंस ये सो सिंस एंड में लगाते हैं ना हम ठीक है लेकिन आप ऐसे सेंटेंसेस भी देखोगे जहां पे सिंस पहले आ जाएगा कि सिंस 2012 थाउजेंड ट्वेल्व आई हैव बीन लिविंग हेयर बनना चाहिए था आई हैव बीन लिविंग हेयर टू थाउजेंड ठीक है लेकिन आपको ऐसे सेंटेंस में मिलेंगे कि सिंस 2012 आई हैव बीन लिविंग और वो सेंटेंस गलत नहीं है बिल्कुल सही है ठीक है सो so, इसने कहा कल से सिंस यस्टरडे सिंस यस्टरडे मैं छात्र समुदाय के साथ बातचीत कर रहा हूं अब समुदाय क्या होता है कम्युनिटी ठीक है जैसे कम्युनिटी होती है ना किसी भी चीज़ की ऑटो वालों की भी होती है एक प्रॉपर कोई हो स्टूडेंट्स हैं इनकी भी कम्युनिटी होती है लेबर्स की कम्युनिटी होती है ठीक है तो उसको समुदाय हिंदी में बोलते हैं मैं छात्र समुदाय के साथ बातचीत कर रहा हूं कल से सो सिंस यस्टरडे फिर डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आई ठीक है सो डूअर कौन है करने वाला मैं मै के साथ आई के साथ क्या लगेगा इंटरैक्ट so, करना, मतलब करना अब उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी सो आई हैव बीन जी किसके साथ विद द स्टूडेंट कम्युनिटी विद द स्टूडेंट कम्युनिटी कि स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ तो पूरा देखो सेंटेंस बना कल से मैं छात्र समुदाय के साथ बातचीत कर रहा हूं सिंस यस्टरडे आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट कम्युनिटी और ये ऐसे भी बन सकता था आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट कम्युनिटी सिंस यस्टरडे ठीक है ये बस कुछ कुछ मुझे कॉलेज में मेरा समय याद दिलाता है ठीक है <coughs> ये इस तरीके से बना ये ये ना ये ना बस कुछ कुछ मुझे मेरे कॉलेज का समय का याद दिलाता है ठीक सो so, इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे इट जस्ट काइंड ऑफ अब देखो बस और कुछ कुछ इन दो चीजों को साइड में रख देते हैं सेंटेंस पकड़ते हैं ये मुझे कॉलेज में मेरा समय याद दिलाता है अब एक चीज समझ में आई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ठीक है, ता है, ती है ते है दूसरी चीज किसी को कुछ कराना ठीक है सो मेक मेक का यूज होता है और मेक के बाद वो पर्सन आ जाता है जैसे डोंट मेक हिम एंग्री उसको गुस्सा मत दिलाओ ठीक है तो मैं किसी को कुछ कर रहा हूं उसको परेशान मत करो मतलब उसको चलो एक तो परेशान करना तो अलग हो गया उसको कुछ कराना उसको मत रुलाओ डू नॉट मेक हिम क्राई ठीक है उसको याद मत दिलाओ डू नॉट मेक हिम रिमेंबर तो यहां पे क्या बना ये मुझे कॉलेज में मेरा समय याद दिलाता है सो तो यहाँ पे जो देखो जो डूअर है ना मतलब एक्शन क्या है याद दिलाना याद कौन दिला रहा है ये सो तो ये मेरा डूअर है सो तो डे कौन है इट सॉरी इट ये मेरा डूअर है मेन वर्ड क्या लगेगा इट के साथ डज लगेगा ठीक है सिंगुलर टर्म है डज एक्शन क्या है यहां पे किसी को कुछ कराना सो मेक ठीक है मेक यहाँ पे एक्शन है सो इट डज मेक मी रिमेंबर ठीक है जैसे मैंने बोला डोंट मेक हिम एंग्री ठीक है सो मेक के बाद वो इंसान आता है और फिर उसको क्या करवा रहे हैं वो आता है सो so, ये मुझे याद दिलाता है सो इट डज मेक मी रिमेंबर अब यहाँ पे डज छुपेगा मेक में और क्या बनेगा मेक्स सो इट मेक्स मी रिमेंबर ये मुझे याद दिलाता है किस चीज़ की माई ओन टाइम एट कॉलेज ठीक है कॉलेज में मेरा खुद का समय कॉलेज का मेरा समय कॉलेज में मेरा समय कुछ भी हो तीनों टर्म में यही चीज़ आ जाएगी अब जो हमने छोड़ा था बस कुछ कुछ तो इसके लिए हम लगाते हैं जस्ट और कुछ कुछ के लिए काइंड ऑफ मतलब इसी तरीके का कुछ कुछ काफ़ी हद तक ऐसे काइंड ऑफ काइंड ऑफ की जगह आप सॉर्ट sort ऑफ of का भी यूज़ कर सकते हो सो so, देखो पूरा सेंटेंस क्या बना ये बस कुछ कुछ मुझे कॉलेज में मेरा समय याद दिलाता है इट जस्ट काइंड ऑफ मेक्स मी रिमेंबर माई ओन टाइम एट कॉलेज खासकर वो समय जब मैं अपने करियर के बारे में फैसला कर रहा था अब देखो डूअर से सेंटेंस से पकड़ते हैं डूअर से सेंटेंस से है मैं अपने करियर के बारे में फैसला कर रहा था इससे पहले क्या है खासकर वो समय ठीक है जब खासकर वो समय जब सो यहाँ पे खासकर के लिए स्पेशली वो समय द टाइम ठीक है द टाइम वो समय आप यहाँ पे दैट टाइम भी लगा सकते हो कोई इशू नहीं है लेकिन जब हमें आगे जब का यूज करना हो ना कि जैसे हम वैन लगा हुआ है तो द का यूज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा द टाइम वो समय जब वैन ठीक है अगर यहाँ पे जब का सेंस नहीं होता तो दैट टाइम बिल्कुल सही रहता लेकिन जब हम जब का यूज लेकर चल रहे हैं सो द टाइम वैन यहाँ तक सही रहेगा ठीक है द टाइम वैन वो समय जब मैं अपने करियर के बारे में फैसला कर रहा था यह सेंटेंस है आपका पास कॉन्टिन्यूअस सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी डूअर कौन है मैं कर रहा था ना फैसला सो आए मेन वर्ड क्या लगेगा वॉज एक्शन के यहाँ पे फैसला करना मतलब डिसाइड डिसाइड में क्या होगा आई एन जी लगेगी आई वॉज डिसाइडिंग किस चीज के बारे में अबाउट माई करियर मेरे करियर के बारे में ठीक है सो so, सेंटेंस पूरा क्या बना खासकर वो समय जब मैं अपने करियर के बारे में फैसला कर रहा था स्पेशली द टाइम आई डिसाइडिंग अबाउट वाई करियर अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना कैरियर नहीं होती है मैंने बहुतों को सुना है कि कैरियर कैरियर करते रहते हैं कैरियर नहीं होती है कैरियर हम बोल देते हैं साइकिल के जो पीछा लगा हुआ है वो इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज करियर ठीक है सो so, पूरा सेंटेंस बन गया नेक्स्ट देखते हैं जब मैं सिविल सर...

ठीक है अबाउट का भी यूज कर सकते हो कोई इशू नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑफ लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सो so, पूरा सेंटेंस बना जब मैं सिविल सर्विसेज में करियर के बारे में सोच रहा था वेन आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ करियर इन सिविल सर्विसेज मुझे स्पष्ट रूप से याद है अब देखो शुद्ध हिंदी में स्पष्ट रूप और हम जो हिंदी में नॉर्मली बोल देते हैं जैसे मतलब मुझे अच्छे से याद है ठीक है अच्छे से याद है सो so, इस अच्छे से को मतलब क्लियरली ठीक है कि आई क्लियरली रिमेंबर अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे कि अब तो आप ये बोलोगे आ, कि यहाँ पे हैव का भी यूज होना चाहिए था ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाना चाहिए था कि मुझे कुछ है बिल्कुल यूज कर सकते हो आई हैव इन माई मेमोरी ठीक है ये भी आप बोल सकते हो कि आई हैव इन माई मेमोरी आई हैव क्लियरली इन माई मेमोरी आई क्लियरली हैव इन माई मेमोरी इस तरीके से आप लगा सकते हो सो so यहाँ पे जो हैव होगा ये आपका एक्शन आएगा कि मुझे कुछ है और इनडेफिनेटली फॉर्म में सेंटेंस जाएगा सो डूअर मेन वर्ड एक्शन डूअर कौन है आई मेन वर्ड लगेगा डू एक्शन क्या हैव डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया आई हैव अब क्या है मुझे याद है सो इन माई मेमोरी आई हैव इन माई मेमोरी अब जो टर्म बची अच्छे से इसको हम क्लियरली इसको हम कहाँ लगाएंगे एक्शन से पहले एक्शन क्या है so इस तरीके से बना सकते हो और दूसरा है आई क्लियरली रिमेंबर मुझे अच्छे से याद है ठीक है जैसे हम बोलते ना आई हैव फीवर मुझे बुखार है ठीक है सो आई क्लियरली रिमेंबर मुझे अच्छे से याद है आई रिमेंबर हिज नेम मुझे उसका नाम याद है ऐसे हम बोलते हैं ना सो so, इसको भी हम बोल सकते हैं आई हैव हिज नेम इन माई मेमोरी क्लियरली ऐसे तो ये घुमा फिरा के बोले जाते हैं लेकिन जो मैं आपको रूल सिखाता हूँ ना रूल कहीं भी गलत नहीं हो सकता चाहे वो सेंटेंस दस तरीके से बन जाए लेकिन जो रूल मैंने बताया है उससे भी बनेगा हो ही नहीं सकता कि उससे रूल से सेंटेंस ना बने तो ये बस अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक चीज़ को पचास तरीके से बोला जा सकता है तो ये मत सोचो कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि अगला सही बोल रहा है ठीक है कोई ग्लोबल रूल नहीं है कि इसको ऐसे ही बोलेंगे हजार तरीके से हजार चीजें बोली जा सकती हैं ठीक है सो so, मुझे स्पष्ट रूप से या फिर अच्छे से याद है आई क्लियरली रिमेंबर मैंने अपने पिता से पूछा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये और पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल फॉर्मेशन है मेन वर्ड एक्शन और कौन है मैंने पूछा था तो मैं हूं सो मेन वर्ड क्या लगेगा डेट और एक्शन यहां पे क्या है पूछना आस्क डिड छुपेगा आस्क में क्योंकि सिंपल सेंटेंस है और उसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी आस्ट आई आस्ट माय फादर मैंने अपने पिता से पूछा जो खुद भी एक सिविल सेवक है ठीक है जो खुद भी इस टर्म के लिए हिमसेल्फ हिमसेल्फ हम लगा सकते हैं इज अ सिविल सर्वेंट बिल्कुल सही टर्म होगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पे ना जो अक्षत ने यूज किया था वो ऑल्सो का यूज किया था वो भी बिल्कुल ठीक है लेकिन ये कंफ्यूज कर सकता है कि अगर ऑल्सो का मीनिंग अगर आप लेकर चलाओगे ना तो यहां पे ऐसा मीनिंग आएगा कि वो एक सिविल सेवक भी है ठीक है सो ऐसे जब सेंटेंस में आपको बोलना हो ना कि वो खुद भी है सो He himself, who himself हमें तो पता है हम पिता की बात करें तो हिम ही होगा हु का सेंस आता है जो ठीक है और खुद के लिए हम बोलेंगे हिमसेल्फ और अगर आपको यहां पे डिफाइन ना करना हो हिमसेल्फ है या हर सेल्फ है तो आप इट सेल्फ भी लगा सकते हो ठीक है तो यहां पे आ गया जो खुद भी एक सिविल सेवक है अब ये सेंटेंस जो है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस ठीक है जो के लिए मैंने यहां पे हु लगाया है ठीक है तो किसकी बात कर रहे हैं मेन वर्ड और वो क्या है फॉर्मेशन ये होती है सिंपल सेंटेंस की सो so, हम अब बात कर रहे हैं जो की सो so, जो की जो कौन है हु ठीक है हु मेन वर्ड आया इज़ सिंगुलर टर्म है अब वो क्या है अ सिविल सर्वेंट ठीक है अब यहाँ पे जब मैंने ऑल्सो लगा दिया सिविल सर्वेंट से पहले तो ये सेंस उसका देगा कि वो सिविल सर्वेंट भी हैं लेकिन पूरा सेंटेंस अगर पढ़ोगे हु इज ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट तो ये सेंटेंस का मतलब होता है जो खुद भी एक सिविल सर्वेंट है अगर आपको ये कन्फ्यूज करे सो so हिम या इट्स सेल्फ का आप यूज़ कर सकते हो हु हिम इज अ सिविल सर्वेंट जो खुद यहाँ पर फिर बात चल रही है जो खुद की फिर मेन वर्ड फिर वो सिविल सेवक है ठीक है सो आई आस्क माई फादर मैंने अपने पिता से पूछा जो खुद भी एक सिविल सेवक है हु इज ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट वो भारतीय पुलिस सेवा में है अब ये सेंटेंस भी कौन सा है सिंपल प्रेजेंट का कोई एक्शन तो है ही नहीं ना इसमें सो so ये भी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जो भारतीय पुलिस सेवा में है सॉरी वो वो भारतीय पुलिस सेवा में है सो so किसकी बात कर रहे हैं वो की फिर मेन वर्ड आएगा फिर वो क्या है सो so वो के लिए ही आया मेन वर्ड लगा इज वो क्या है भारतीय पुलिस सेवा में सो इन द इंडियन पुलिस सर्विस ठीक है इन द इंडियन पुलिस सर्विस अब पुलिस और कॉप में भी मुझे फर्क पूछा था किसी ने कुछ फर्क नहीं है एक ही होते हैं बस ये बोलने का फर्क होता है कि कहा अमेरिकन में कुछ ब्रिटिश में कुछ और मैं इसके ऊपर भी ना एक कुछ एक छोटी सी प्रिपरेशन कर रहा हूं कि आपको अमेरिकन ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन इन सब चीजों में भी मैं थोड़ा थोड़ा सा ना फर्क बताना शुरू करूं वर्ड्स का सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स का सो उस चीज के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूं बस टाइम नहीं मिल रहा है एक बार टाइम मिल जाए ना तो पूरी जिंदगी हम टाइम के बीच ही भागते रहते हैं वैसे कुछ भी हो जाए छोटे होते तो ये सोचते कि बड़े हो जाए तब ये करेंगे बड़े हो जाए तो फिर ये सोचते हैं कि एक बार इतनी सैलरी हो जाए उतनी हो जाती है फिर हम सोचते हैं एक बार अपना घर हो जाए एक बार ये हो जाए कभी कुछ नहीं होता यार <laughs> पता नहीं यार वो लोग एक वो है ना छोटी सी मैंने वो सुनी थी एक शायरी टाइप थी कि उसमें क्या था शायर ने बोला कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्कों को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे ठीक है वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे हम जीते जी मसरूफ़ रहे मतलब बिजी रहे हम जीते जी मसरूफ़ रहे कुछ इश्क किया कुछ काम किया ठीक है कभी काम इश्क के आड़े आता रहा और कभी इश्क में काम उलझता रहा और आखिर में तंग आके हमने दोनों का अधूरा छोड़ दिया ठीक तो ये वही चीज़ आज हो रही है लोगों के साथ ठीक है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं जो या तो इश्क को काम समझते हैं या फिर अपने काम से ही बहुत प्यार करते हैं ठीक अब यहाँ पे मुझे अपना काम भी करना पड़ रहा है चाहे मुझसे प्यार करूँ या ना करूँ लेकिन रोजी रोटी वाली बात है और जिस काम से मैं प्यार करता हूँ मैं उसको इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ भी है तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अब शायद मैं अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ ठीक है सो वो भारतीय पुलिस सेवा में है ही इज इन द इंडियन पुलिस सर्विस मैंने उनसे बहुत सीधा सा सवाल पूछा अब जब हम ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल सीधा सा एकदम सटीक तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब सटीक, बिल्कुल सीधा so, मैंने उनसे बहुत सीधा सा सवाल पूछा सेंटेंस ये सेंटेंस है, की रहेगी. कौन है? मैंने पूछा था तो, तो मैं वर्ड क्या लगेगा डेड एक्शन पूछना सो आस्क डेड मैंने उनसे पूछा एक बहुत सीधा सा सवाल अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ठीक है, so, मैंने उनसे बहुत सीधा सवाल पूछा आई आस्ट हिम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा आई आस्ट हिम यह भी पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस है do or main action, I did ask और दो दशक से अधिक समय के बाद ठीक है पापा सेवा में दो दशक से अधिक समय के बाद तो यह सेंटेंस पूरा नहीं हुआ इसलिए मैंने डॉट डॉट लगाया हुआ सेंटेंस आगे भी है ठीक है So, देखो दो दशक का मतलब क्या होता है दशक का मतलब होता है डिकेट्स डिकेट एक दशक में होते हैं दस साल और दो दशक का मतलब बीस साल सो टू डिकेट्स हो गए सो so, यहां पे सेवा में दो दशक से अधिक समय के बाद सो आफ्टर मोर देन टू डिकेट्स इन दिस सर्विस क्या आपको लगता है कि ये विशेष करियर हमारे देश में मौजूदा प्रचार के लायक है इसमें शुद्ध हिंदी के काफ़ी सारे वर्ड्स आ गए लेकिन मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश बिल्कुल करूँगा तो देखो पहला जो सेंटेंस है क्या आपको लगता है अब जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर लगने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फील या थिंक ठीक है ऐसे सोच के या महसूस करके जो लगता है फील या थिंक का यूज करते हैं यहां पे इसने थिंक सॉरी फील का यूज किया हुआ है ठीक है जी अब मैंने एक चीज और बताई ये इंडेफिनेट सेंटेंस होते हैं लगता है ता है, है कि क्या आप ऐसा महसूस करते हो ठीक है तो ये सेंटेंस बना क्या आप महसूस करते हो क्या आपको लगता है ठीक सो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हयाना में दे सकता हूं और यहां पे क्या भी शुरू में लग रहा है फॉर्मेशन क्या होती है सबसे पहले आएगा मेन वर्ड फिर डूअर और फिर एक्शन मेन वर्ड क्या है आएगा यहां पे डू क्योंकि आपकी बात कर रहे हैं यू की बात कर रहे हैं सो मेन वर्ड डू लगेगा सबसे पहले डू फिर यू और अब आएगा हमारा एक्शन लगना मतलब महसूस करके फिर सोच के सो डू यू फील क्या आपको लगता है की के लिए दैट लगा सकते हो चाहो तो इग्नोर कर दो ये विशेष करियर दिस पर्टिकुलर करियर विशेष का मतलब पर्टिकुलर ठीक है खासकर ये पर्टिकुलर सो so दिस पर्टिकुलर करियर हमारे देश में मौजूदा प्रचार के लायक है ठीक है ये विशेष करियर हमारे देश में मौजूदा प्रचार के लायक है अब देखिए मौजूदा के लिए हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग ठीक है फिलहाल जो है मौजूद है एग्जिस्टिंग जैसे मैं बोलता रहा हूँ कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो मतलब वो चीज़ मौजूद है ठीक है और दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे लायक अब लायक के लिए हम मतलब वर्थ क्या इसकी ये वर्थ है क्या इसके लायक है तीसरा प्रचार ठीक है प्रचार के लिए हमने एक तो वर्ड सुना है एडवर्टीज एडवर्टीजमेंट एड्स ये भी होता है ना एक वर्ड होता है हाइप अब हाइप का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से बोलते हैं इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई मतलब बहुत ज्यादा एक वायरल सा हो गया सो उसका बहुत ज्यादा प्रचार हो गया सो वो चीज़ का मतलब होता है हाइप ठीक है कि यार इस चीज़ की बहुत ज्यादा ही हाइप है ऐसा कुछ है नहीं मतलब इस चीज का नाम ही नाम है नाम बहुत ज्यादा है प्रचार बहुत ज्यादा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सो so, ऐसी चीज़ का ऐसी चीज का हम यूज करते हैं हाइप अब ये जो तो सेंटेंस है ये विशेष करियर हमारे देश में मौजूदा प्रचार के लायक है ये सेंटेंस पूरा का पूरा है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस ठीक है जी अब यहाँ पे इस फॉर्मूला क्या लगेगा किसकी बात कर रहे हैं मेन वर्ड और वो क्या है सो बात कर रहे हैं हम ये विशेष करियर की ठीक है सो दिस सॉरी हा दिस पर्टिकुलर करियर फिर मेन वर्ड लगेगा अब सिंगुलर टर्म है करियर तो इज सो दिस पर्टिकुलर करियर इज अब क्या बचा <coughs> हमारे देश में मौजूदा प्रचार के लायक है ठीक है सो so, पहले क्या है लायक है वर्थ इज वर्थ हाइप इज वर्थ हाइप ठीक है क्या ये प्रचार ये क्या प्रचार के लायक है दैट एग्जिस्ट्स अब यहां पे एग्जिस्ट के अंदर एस क्यू लगा हुआ है डस छुपा हुआ है दैट एग्जिस्ट जो एग्जिस्ट करती है ठीक है सो दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री हमारे देश में ठीक है कि जो हमारे देश में मौजूद है ठीक है इस तरीके से सेंटेंस बना है ये बहुत टूट फूट का बनेगा लेकिन ये आपको ऐसे ही समझ में आएगा इसलिए मैंने ऐसे ही समझाया तो पूरा सेंटेंस क्या बना क्या आपको लगता है ये विशेष करियर हमारे देश में मौजूदा प्रचार के लायक है मतलब क्या आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर करियर हमारे देश में इतनी हाइप के लायक है ठीक है तो अगर मैं बोलूँ क्या तुम्हें लगता है कि ये जो पिज्जा है ये पाँच सौ के लायक है सो डू यू थिंक दिस पिज्जा इज वर्थ ठीक है इज वर्थ दाइव हंड्रेड रुपीज ऐसे सो डू यू फील दिस पर्टिकुलर करियर इज वर्थ द हाइप दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री ठीक है वो मेरी तरफ मुस्कुराए और बोले दो सेंटेंस हैं इसके अंदर वो मेरी तरफ मुस्कुराए और बोले अब ये दो सेंटेंस है लेकिन दोनों ही आपके पास्ट इंडेफिनेट हैं ठीक so, है सो डूअर मेनवर्ड एक्शन का फॉर्मूला रहेगा डूअर कौन है वो सो ही फिर मेनवर्ड डेट एक्शन मुस्कुराना स्माइल सो डेढ़ छुपा स्माइल में और वह स्माइल्ड बन गया ही स्माइल एट मी मतलब वो मेरी तरफ मुस्कुराए और बोले अब यहां पे दोबारा से ही लगाने की जरूरत नहीं थी ठीक है क्योंकि एक ही की बात चल रही है एंड सेड ये बन जाता एंड सेड लेकिन यहां पे भाई अक्षत ने ही दो बार ही लगाया है तो मुझे तो लगाना बनता है ठीक है लेकिन अगर आप दो बार ना लगाना चाहो एक ही बार लगाओ तो बिल्कुल सही है ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड इसकी जगह हम लिख सकते हैं ही स्माइल्ड एट मी एंड सेट ये भी, भी बिल्कुल सही है दोनों ही ठीक है लेकिन जो अगर दोबारा ही ना लगाओगे तो ज्यादा ठीक है ठीक है सो वो मेरी तरफ मुस्कुराए और बोले ही स्माइल एट मी एंड ही सेट बेटा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है ठीक है अब यहाँ पे किसी चीज की वही एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की बात चल रही है कि सकारात्मक एंड नकारात्मक दोनों है बेटा के लिए सन लगाया साइड में रख दिया अब इस सन को हम एंड में भी लगा सकते थे कोई दिक्कत नहीं है अब सेंटेंस बचा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। तो यहाँ पे किसी की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात चल रही है तो क्या होगा देयर का यूज होगा सिंगुलर टर्म है तो इज़ प्लूरल टर्म है तो आर अगर प्रेजेंट के अंदर है तो, तो यहाँ पे क्या लगेगा आर क्योंकि दोनों की बात चल रही है सो देर आर कि है क्या है देर आर बोथ पॉजिटिवस एंड नेगेटिव अब ये जो एक ये ना पूरी टर्म एक स्ट्रक्चर के तौर पर भी बहुत यूज होती है कि यार देर आर ऑलवेज प्रॉज एंड कॉन्स देर आर ऑलवेज पॉजिटिवस एंड नेगेटिव ठीक है अब मैंने ना एक कहीं जगह लिखा हुआ देखा था कहीं अच्छी जगह लिखा हुआ देखा था मैंने कि देर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ना ये टर्म गलत है पॉजिटिव्स आएगा एस लगेगा ठीक है सो देयर आर बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ठीक है कि बेटा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। मतलब, है मतलब पॉजिटिव चीजें भी हैं नेगेटिव चीजें भी हैं जाहिर है तुमने सम्मान और प्रतिष्ठा देखी है जो हम सिविल सेवकों को मिलती है इसके अंदर देखो दो सेंटेंसेस हैं जाहिर है के लिए हम ऑबवियसली लगाएंगे और साइड में रख देंगे अब सेंटेंस पकड़ते हैं तुमने सम्मान और प्रतिष्ठा देखी है ठीक है अब ये कौन सा सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कि तुम देख चुके हो तुमने देखी है ठीक सो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है ये वाला डूअर एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी डूअर कौन है तुमने सो यू लगेगा हैव एक्शन क्या है देखना सी अब सी की थर्ड फॉर्म लगेगी सीन क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है यू हैव सीन द रेस्पेक्ट एंड प्रस्टीज कि तुमने सम्मान और प्रतिष्ठा देखी है सम्मान का मतलब रेस्पेक्ट और प्रतिष्ठा का मतलब प्रस्टीज ठीक है जो हम सिविल सेवकों को मिलती है अब देखो यहां पे जो के लिए इंसान की बात नहीं चल रही है ठीक है तो यहां पे विच का यूज कर सकते हैं दैट का यूज कर सकते हैं और दोनों में से किसी का भी यूज मत करो वो भी ठीक है ठीक है तो यहां पे हम मैंने यूज कर दिया दैट का सॉरी मैंने नहीं अक्षत ने यूज किया दैट का ठीक है कि जो हम सिविल सेवकों को मिलती है दैट दैट लगाया जो के लिए अब छोड़ दो सेंटेंस है हम सिविल सेवकों को मिलती है अब ये सेंटेंस कौन सा है ये है आपका है वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट सो डूअर मेन वर्ड एक्शन डूअर कौन है यहां पे? सिविल सेवक ठीक है हम सिविल सेवकों ठीक है सो वी सिविल सर्वेंट्स वर्ड लगेगा डू एक्शन क्या है मिलना अब मिलने के लिए मैंने हजार बार बताया क्या बताया गेट तो यहां पर डू छुपा गेट में और कोई चेंज नहीं आया तो जो के लिए दैट लगाया विच भी लगा सकते थे और चाहो तो कुछ मत लगाओ सिंपल सा बन जाता कि यू हैव सीन द रिस्पेक्ट एंड प्रस्टीज गेट ये भी बिल्कुल सही था जो का सेंस अपने आप आ जाता चाहो तो दैट लगा दो दैट विथ सिविल सर्वेंट्स गेट चाहो तो विच लगा दो विच विथ सिविल सर्वेंट्स गेट ये चीज मैं हजार बार बता चुका हूं और कोई भी एक इंसान जो मेरी दस वीडियोस भी देखता होगा ना लगातार उसको इस चीज में कोई इश्यू नहीं आएगा और ना ही कभी अटकेगा और मुझे पता है इस ऐसी एक ही बात को रोज बोलना होता है कई बार बोलना होता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है सीरियसली मुझे क्या आधे घंटे ही तो बोलना है लेकिन अगर मैं ना बोलूँ ठीक है कोई भी ऐसा इंसान जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है उस बेचारे को नहीं समझ में आएगा उसको पता नहीं चलेगी कि ये कैसा फॉर्मेशन आया सो so, मुझे उस हर इंसान के बारे में सोचना होता है जो मेरी वीडियो पर शायद आज पहली बार आया होगा ठीक है तो इसीलिए मुझे एक ही चीज को कई बार बताना होता है एक ही चीज को हजार बार एक ही तरीके से ही बताना होता है और जो वीडियो मेरी बार बार देख रहा है जो भी इंसान रेगुलर व्यूअर है उस इंसान को वो चीज़ पक्की हो जाएंगी उसका रिवाइज हो जाएगा और वो हमेशा जैसे ही इस तरीके का सेंटेंस देखेगा वो खुद ही अपने दिमाग में बना लेगा और फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है वेयर ही हैज टू स्पीक और शी हैज टू स्पीक द सेम सेंटेंस और द स्ट्रक्चर सो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी दे कैन स्पीक इट वेरी फ्लुएंटली एंड वेरी कम फर्टेबली ठीक है तो बस यही एक मोटिव होता है क्योंकि मेरे पास कॉमेंट्स आ जाते हैं कि सर एक ही चीज़ को बार बार क्यों बोलते हो एक ही चीज को इतनी बार क्यों बोलते हो यार तुमने कई बार सुनी है एंड यू हैव ऑप्शन टू फॉर टेन सेकेंड्स लेकिन जो नया बंदा आ रहा है उसको नहीं पता है कि इसका क्या पीछे का बैकग्राउंड है कैसे समझना है क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है सो फॉर देम आई नीड टू स्पीक एंड आई विल स्पीक चाहे कुछ भी हो मेरा मोटिव यह है कि मेरे से अगर कोई एक इंसान भी इंग्लिश सीख लेगा ना सो मेरा सिख, सिखाना सफल हो जाएगा ठीक है सो हां जी सेंटेंस क्या बना जाहिर है तुमने सम्मान और प्रतिष्ठा देखी है जो हम सिविल सेवकों को मिलती है ऑब्वियसली यू हैव सीन द रेस्पेक्ट एंड प्रस्टीज दैट वी सिविल सर्वेंट्स गेट लेकिन तुमने काम का तनाव दबाव मुश्किलें भी देखी हैं क्योंकि फादर पुलिस में है इसीलिए लेकिन तुमने काम का तनाव दबाव मुश्किलें भी देखी है यह सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है लेकिन के लिए बट लगाएंगे साइड में रख देंगे तुमने काम का तनाव दबाव मुश्किलें भी देखी हैं सो डूअर वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म डूअर कौन है किसने ने देखे तुमने यू मेन वर्ड लगेगा हैव एक्शन क्या है यहाँ पे देखना सी सी की थर्ड फॉर्म आएगी सीन यू हैव सीन अब यहाँ पे भी का जो सेंस आ रहा है वो कहाँ लगेगा एक्शन से पहले एक्शन क्या है सी यू हैव ऑल्सो सीन तुमने ये भी देखी है क्या द वर्क स्ट्रेस काम का तनाव दबाव द प्रेशर मुश्किलें ठीक है डिफिकल्टीज ठीक है अब यहाँ पे दोबारा भी आ रहा है यहां पे भी हम दोबारा ऑल्सो का यूज कर सकते हैं ठीक है सॉरी दोबारा भी तो आई नहीं रहा एक ही बार तो आया है भी. तो उस इस वाले भी को हमने लगाया एक्शन से पहले और एक्शन क्या था यहाँ पे सीन सो यू हैव सीन द वर्क स्ट्रेस प्रेशर एंड द डिफिकल्टीज इस सेंटेंस में हम को एंड में भी लगा सकते थे यू हैव सीन वर्क स्ट्रेस द प्रेशर द डिफिकल्टीज ऑल्सो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन में बिल्कुल सही होती ठीक है. है जो इस करियर के साथ आती है अब देखो फिर जो जो का सेंस आया ठीक है अब यहाँ पे जो मेरा डूअर है क्योंकि आना एक्शन है ठीक सो so, जो के लिए मैं क्या लगाऊंगा विच या फिर दैट ठीक सो so, जो इस करियर के साथ आती है अब मैं यहां पे इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि पूरे सेंटेंस में एक साथ होता तो मैं कर भी देता शायद लेकिन यहां पे अलग से इस सेंटेंस को बोला गया है जो इस करियर के साथ आती है सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट जो मेरा यहां पे डूअर है ठीक है सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी सो so, जो के लिए मैंने लगाया दैट ठीक मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे डू क्योंकि यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये प्लूरल टर्म है वो आती है ना तो यहां पे डू लगेगा मेन वर्ड ठीक सो दैट डू मेन वर्ड क्या है सॉरी oh, एक्शन क्या है पे? आना कम डू छुपा कम में कोई चेंज नहीं आया दैट कम विद दिस करियर जो इस करियर के साथ आती है दैट कम विद दिस करियर नेक्स्ट है लेकिन ये करियर जो आपको देता है वो है संतुष्टि का एहसास अब ये सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत ही थोड़ा सा मतलब समझने में मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करता हूँ लेकिन के लिए बट लगाएंगे साइड में रख देंगे ये करियर जो आपको देता है वो है संतुष्टि का एहसास ठीक है तो एक तो तरीका ये हो गया दिस करियर वॉट गिव्स यू इज द सेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्शन एक तो तरीका ये हो गया ये थोड़ा बिल्कुल सिंपल सा हो गया लेकिन इस तरीके से आपको सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे सेंटेंस आपको इस स्ट्रक्चर में मिलेंगे वॉट दिस करियर गिव्स यू इज अब ये जो बना है मैंने व्हाट दिस करियर गिव्स यू इज कि जो ये जो करियर आपको देता है वो है इज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन संतुष्टि का एहसास ठीक है अब यहां पे इसको समझने की कोशिश करो जैसे कि मैं बोलूं वॉट राइट नाउ आई नीड इज वॉर्म ब्लैंकेट कि मुझे अब इस समय इस समय जिस चीज की जरूरत है वो है एक वॉर्म ब्लैंकेट ये इस सेंस में बनता है सेंटेंस और इसको तोड़ने के लिए ना मुझे एक अलग से वीडियो बनानी होगी और उस चीज को मैं बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से नहीं समझाया जा सकता ये करियर जो आपको देता है ठीक है तो जो के लिए वॉट लगाया है मैंने जो ये करियर आपको देता है मानो ऐसे सेंटेंस है ये कि जो ये करियर आपको देता है सो जो के लिए मैंने वॉट लगाया ठीक है ये करियर आपको देता है ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ठीक है ये करियर आपको देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है डूअर कौन है ये करियर दिस करियर मेन वर्ड लगेगा डस क्योंकि दिस दिस करियर सिंगुलर टर्म है डस एक्शन क्या है पे देना गिव डस छुपा गिव में और वो गिव्स बन गया दिस करियर गिव्स यू ये करियर आपको देता है सो so, ये, ये जो पूरा सेंटेंस बना जो ये करियर आपको देता है वॉट दिस करियर गिव्स यू इज ठीक है अब इस, इसका जो सेंस है वो इस लेकर चल रहे है, वो है अब वो क्या है इज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ठीक है वो है क्या सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एक संतुष्टि का एहसास ठीक है तो अब यहां पे जो इज लगाया है ना ये अब इस जब बीच में लगाया अब ये अलग से एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस बन गया कि किसकी बात कर रहे हैं मेन वर्ड और वो क्या है ठीक है सो व्हाट दिस करियर गिव्स यू कि ये जो करियर आपको देता है फिर इज अब वो क्या देता है ऑफ़ एक संतुष्टि का एहसास so ये जो तरीका था इसमें दो सेंटेंसेस और दोनों आपस में मर्ज हो रहे थे पहले एक सेंटेंस मैंने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके अब जो मैंने वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके पूरा सेंटेंस बनाया वो पूरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का स्टार्ट बन गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं फिर वहां पे सिंपल प्रेजेंट का मेन वर्ड आया और फिर एंड हुआ है तो ये सेंटेंस थोड़ा सा घुमा घुमाने वाला था लेकिन समझ में ना आया हो आप इसको दोबारा से सुनो आपको समझ में आ जाएगा सो ये थे आज के सेंटेंसेस वीडियो में, में मेरे पास और भी थोड़े से इसी के अंदर सब टाइटल्स पड़े हुए हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आज हमने बीच में थोड़ी सी बिना मतलब की बातें भी कर ली हैं ठीक है सो आप कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कोई डाउट आए कोई कंफ्यूजन है तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों thank you